हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सीक्रेट रेसिपी बाय प्रियंका में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन लॉलीपॉप। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने 5 से 6 पीसेस चिकन लॉलीपॉप के ले लिए हैं। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। आपको जितना चाहिए उतना नमक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें 1 पिंच के करीब हल्दी डालूंगी। इसके बाद हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, ये गरम मसाला, धनिया पाउडर भी थोड़ा थोड़ा करके ले लेंगे। अब इसमें हम ब्लैक पेपर डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से चिकन में ये कोट होना चाहिए मसाला, देख पा रहे हैं। अब इसमें मैं आधा नींबू डाल दूंगी निचोड़ के अच्छे से। मैं हम 2 चम्मच के करीब नींबू का रस लेंगे और थोड़ा सा मैंने सोया सॉस का इस्तेमाल किया है, आप देख पा रहे हैं इस तरह से। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे सारे मसालों के साथ। इसे अच्छे से कोट करके 1 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसे डीप फ्रीज भी कर सकते हैं, मैंने इसे 1 घंटे के लिए बाहर ही इसे छोड़ दिया था इस तरह से। सारे मसाले जब अच्छे से मिक्स हो जाएं, तो हम इसे छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। अब देख पा रहे हैं 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसके लिए कोटिंग बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर और मैदे का इस्तेमाल किया है। दोनों को बराबर मात्रा में ले लेंगे, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर और 2 बड़े चम्मच मैदा, दोनों को मैंने बराबर मात्रा में ले ली है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे थोड़ा सा टेस्ट के लिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने 1/2 चम्मच के करीब लिया है और थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इसके बाद हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे 1/4 स्पून के करीब। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके अच्छे से एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है आपको, तो आप देख लीजिए कितने कितना थिक और कितना थिन रखना है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं मैंने इतना थिक रखा है इसे, तो इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब मैंने इसमें कलर के लिए फूड कलर का इस्तेमाल किए हैं। मैं रेड कलर ले लेंगे और इसे इसमें 3 से 4 बूंद डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। आपको जितना कलर चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर थोड़ा डार्क चाहिए तो आप इसमें और कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 3 से 4 ड्रॉप के करीब इसमें कलर डाला था। अब हम चिकन ले लेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा था, और उसमें जो हमने ग्रेवी बना के रखा है बैटर, उसमें डिप करेंगे। अच्छे से इसे कोट कर लेंगे इस तरह से, सभी तरफ से इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। उसके बाद गरम तेल में इसे फ्राई करने के लिए डाल देंगे। इसे डीप फ्राई करना है, आप देख पा रहे हैं इस तरह से मैंने इसे डीप फ्राई कर लिया है। तो आप एक एक करके इस तरह से सारे पीसेस को बैटर में डिप करके फ्राई कर लेंगे। एक एक करके मैंने ये आपको फिर से दिखा रही हूँ। इसे मैंने स्पून से किया था, अब इसे हाथ से करके दिखा रही हूँ। इस तरह से इसे अच्छे से कोट कर लेंगे और कोट करके ऑयल को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और इसे डीप फ्राई कर लेंगे इस तरह से। इसे गर्मा गर्म हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप चाहें तो सेजवान चटनी मायोनीज के साथ, आपको जिसमें पसंद है उसके साथ इसे सर्व कर सकते हैं। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।